3i इन्फोटेक, क्या अभी हमें करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं? क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का? क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर बात करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। करंट वॉल्यूम भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और 50 डे एवरेज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव 1 करोड़ 18 लाख का अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1400 करोड़ का। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के सेल्स के ऊपर बात करें, जून 20 के अंदर इनकी सेल्स थी 81 करोड़ की, जो डिक्रीज होकर मार्च 21 के अंदर आप यहां पर देख पा रहे हैं 52 करोड़ की हुई है। मार्च 20 के अंदर भी इनकी सेल्स थी 91 करोड़ की और मार्च 21 की आप सेल्स देख सकते हैं 52 करोड़ की, 43% की गिरावट अभी हमें इनकी सेल्स के अंदर देखने को मिली है। अगर सर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करेक्ट बाइंग लेवल हम आपको बता रहे हैं और आपको इस स्टॉक की रिटर्न प्रोफाइल चेकआउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो 1 मंथ के अंदर 9.60% के नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, लेकिन 1 ईयर के अंदर 257% के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए और 5 ईयर के अंदर 76% के रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए। 1 ईयर के अंदर काफी बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले थे। अगर मैं आपसे इस स्टॉक के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बात करूं, 4.85% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.15 का, जो दोनों ही इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बुक वैल्यू 4.66 की, वो भी इतने ज्यादा अट्रैक्टिव अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। फेस वैल्यू 10 रुपए की। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर बात करना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मूविंग एवरेजेस के अंदर अभी आपको इस स्टॉक के अंदर एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है और आरएस के अंदर भी आपको इस स्टॉक के अंदर अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस स्टॉक ने 6.75 की प्राइस पे ब्रेकआउट करता है दिसंबर 20 के अंदर, वहां से इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छी अप्रैली मिली थी। उसके बाद इस स्टॉक ने एक रीटेस्ट करके वापस से काफी अट्रैक्टिव अप्रैली हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर अभी हमें कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है। सर अगर आप इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। जी हाँ सर, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे की प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी आप इस स्टॉक के अंदर 30% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो करेक्ट बाइंग लेवल होने वाला है 9.70 की प्राइस पे, आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर इस स्टॉक ने 6.75 की प्राइस को डाउनसाइड के अंदर ब्रेकआउट दे दिया, ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जैसे ही ये स्टॉक 9.70 या 9.80 की प्राइस को अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, आरएसआई आपको अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है और वॉल्यूम हमें इस स्टॉक के अंदर अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपको 13.70 और सेकंड टारगेट आपको 17 के इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमने आपके साथ शेयर करा इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस।